हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुजुता राजगुरु आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल पर, जहां मैं कमिटेड हूं महिलाओं के स्वास्थ्य से रिलेटेड हर एक सवाल का जवाब आप तक पहुंचाने के लिए। और चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है कोरोना वायरस एंड प्रेगनेंसी पार्ट 3। और फटाफट मुड़ते हैं आज के सवालों की तरफ। फिर अगला सवाल है, अगर आपको COVID-19 इन्फेक्शन है तो क्या डिलीवरी के वक्त आपको सिजेरियन सेक्शन ही लगेगा? आपकी डिलीवरी वजाइनली होगी या सी सेक्शन से होगी, ये COVID-19 इन्फेक्शन के ऊपर निर्भर नहीं है। ये और भी कई फैक्टर्स के ऊपर निर्भर है, जैसे कि आपके बच्चे का वजन कितना है, पानी की मात्रा कितनी है, वजाइनल पैसेज जो है क्या वो एडिक्वेट है बेबी को वजाइनली डिलीवर करने के लिए। इन सब फैक्टर्स के ऊपर आपकी वजाइनल या सी सेक्शन होगा, वजाइनल डिलीवरी या सी सेक्शन होगा, ये डिसाइड होगा। पर अगर आप पूछोगे कि मैडम कौन सा मोड ऑफ डिलीवरी प्रेफरेबल है, तो नो डाउट वजाइनल मोड ऑफ डिलीवरी प्रेफरेबल है। क्योंकि अगर आपको इन्फेक्शन है, कोई भी इन्फेक्शन में COVID-19 इन्फेक्शन हो या कोई भी अदर इन्फेक्शन हो, वजाइनल डिलीवरी प्रेफरेबल है। क्योंकि इन्फेक्शन है मतलब आपकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कम हो चुकी है और आपकी बॉडी ऑलरेडी वीकेंड हो चुकी है, यानी कि वीक हो चुकी है। सो ऐसे सिचुएशन में सर्जरी परफॉर्म करना यानी कि कॉम्प्लिकेशन रेट बढ़ सकता है और ये रिस्की हो सकता है दोनों के लिए, पेशेंट के लिए और डॉक्टर के लिए भी। सो ये डिसीजन जो है डिलीवरी नॉर्मल होगी या सी सेक्शन से होगी, ये नो डाउट आपको आपके गायनेकोलॉजिस्ट के ऊपर छोड़ देना है, और ही और शी इज द राइट पर्सन टू डिसाइड एंड मैनेज अकॉर्डिंगली विथ लेस कॉम्प्लिकेशंस। फिर अगला सवाल है, क्या कोरोना वायरस ब्रेस्ट मिल्क में से आपके बच्चे को हो सकता है? जो कुछ स्टडीज अभी तक के हुए हैं उसके हिसाब से देखा गया है कि डिलीवरी के बाद कोरोना वायरस ब्रेस्ट मिल्क में से ट्रांसमिट नहीं होता है और इसीलिए आप ब्रेस्ट फीडिंग कर सकते हो। पर ब्रेस्ट फीडिंग करते वक्त अगर आपको इन्फेक्शन है तो पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट की वजह से आपके बच्चे को भी आपसे इन्फेक्शन हो सकता है। तो फिर आप कहोगे कि मैडम फिर ब्रेस्ट फीडिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मेरा आंसर ये रहेगा कि ये डिसीजन आपके ऊपर और आपके डॉक्टर के ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि नो डाउट ब्रेस्ट फीडिंग इज बेस्ट फॉर बेबी, बट अगर आपको डर लग रहा है कि अगर मुझे इन्फेक्शन हुआ है और ये इन्फेक्शन मेरे बच्चे को भी हो जाएगा, तो आप फॉर्मूला मिल्क फीडिंग भी बच्चे को कुछ दिन दूर रख के दे सकते हैं। और अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग का सोच रहे हो तो नो डाउट आपको बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, जैसे कि फेस मास्क आपको पहनना पड़ेगा, प्रॉपर हैंड वॉशिंग करना पड़ेगा, हैंड वॉश करते वक्त नेल बेड्स में से आपको अच्छा क्लीन करना है, बाद में फिंगर वेब्स यानी कि उंगलियों के बीच में अच्छे से हैंड वॉशिंग करना है, फिर उसके बाद में आपको ब्रेस्ट क्लीन करना है और फिर आपको बेबी को ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए, अगर ये आप ब्रेस्ट फीड करते हो तो। अगर बॉटल फीड आप करते हो तो वापस से आपको ब्रेस्ट पंप हैंडल करने के पहले प्रॉपरली हैंड वॉश करना चाहिए और उसके बाद ब्रेस्ट पंप हैंडल करना है, और वैसे ही बॉटल को आपको क्लीन रखना है। फिर ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस करने के बाद वो बॉटल फीड करने के पहले जो रिलेटिव आपको बच्चे को बॉटल फीड कराने वाला है वो सिक यानी कि बीमार नहीं होना चाहिए, उसने भी अच्छे से हैंड वॉशिंग टेक्निक फॉलो करना चाहिए और वो एक्सप्रेस मिल्क बाद में वो बच्चे को फीड कराना चाहिए। सो ये सब टेक्निक, ये सब प्रॉपर प्रिकॉशंस आपको लेना है अगर आप ब्रेस्ट फीड करने का सोच रहे हो तो। और ये थे कोरोना वायरस एंड प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ कॉमनली पूछे जाने वाले सवाल और उनके जवाब। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।